एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लेके आए हैं जो तकिए के कवर होते हैं पुराने, उनका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पुराने तकिए हो जाते हैं उनके कवर बहुत बेकार हो जाते हैं, कुछ फट जाते हैं, कुछ हमें मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, हम सोचते हैं नए कवर लेंगे। तो जो पुराने हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो उनका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरी जो वीडियो का पर्पस है वो यही है कि हम जो हमारे पुराने तकिए हो जाते हैं, पुराने कवर हो जाते हैं, उनका हम यूज़ कैसे करें, पुराने हो या नए हो, आप के अकॉर्डिंग है कि आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। बहुत सा क्या तो आते हैं, हमारी चादर जो है ना वो फट जाती है और हमारे तकिए कवर रह जाते हैं, तो उनको हम किस तरह से यूज़ करें। तो ऐसे ही मेरे पास कुछ तकिए के कवर हैं जिनकी चादरें फट गई हैं, तकिए के कवर रह गए हैं, कुछ तकिए के कवर पुराने हो गए हैं, तो उनका मैं यूज़ करके आपको बताने वाली हूँ कि आज उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी अभी मुझे याद आई है उनको ही मैं बताऊँगी, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तब आपको और बताऊँगी। तो अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और दिखाते हैं कि आप जो तकिए के कवर हो जाते हैं पुराने, आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं घर पर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ तकिए के कवर हैं, पुराने हैं, कुछ इनकी चादरें फट गई हैं, तकिए के कवर रह गए हैं वो हैं, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला है, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, और जैसे ये वाला है ये छोटा है, इसके जो और साथ के देना वो फट गए हैं, सिर्फ एक ये बचाया था, ये मैंने घर पे ही सिला था, तो इसको हम किस तरह से यूज़ कर देंगे। ऐसे ही मैं बहुत सारे आपको बताने वाली हूँ, तीन चार आइटम इस तरह की, जिस तरह के आप तकिए का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट, दिखाते हैं आपको किस तरह से आप अपने तकिए का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला तकिया कवर ले लेते हैं अपना, इसको हम दिखाएं किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको हाफ फोल्ड कर लीजिए, या फिर आप इसको हाफ कट करके भी मोड़ सकते हैं, या फिर आप उसे कट करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर दे रही हूँ हाफ, क्योंकि मुझे कट नहीं लगाना है अभी, मैंने अभी मशीन नहीं रखी है इसको सिलने के लिए। तो पहले हम इसको हाफ कर लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा हाफ हो गया है। अब हम इसको दिखाते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं अपनी मिक्सी, जो भी हमारी मिक्सी होती है, हम पे अधिकतर सब पे घरों पे होती है मिक्सी, तो उसको हम ले लेते हैं। जो इसके तार हैं, इनके इसके जो वायर है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पर भी रख सकते हैं, जिससे कि ये इधर उधर ना गिरे। तो इस तरह से इसको रख लीजिए। इसको रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो वायर है वो हमने इकट्ठी कर दी है। अब हम अपना तकिया कवर लेंगे जो हमने हाफ फोल्ड किया था, इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से पहना देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फिट आएगा इसके ऊपर। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कवर डाला है हमने, इससे हमारी मिक्सी में धूल वगैरह भी नहीं जाएगी, बिल्कुल साफ रहेगी, गंदी नहीं होगी, और इस तरह से बिल्कुल सेफ भी रहेगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके डाल के इस तरह से रख सकते हैं, ये हमारी मिक्सी बिल्कुल सेफ रहेगी। आपका जो जार होगा, आप इस पर जार लगा के रखेंगे तो आप उसको इस तरह भी पहना सकते हैं, वो भी आ जाएगा, वो आप फुल कवर में आ जाएगा। इसे मैंने सिर्फ मिक्सी रखी है, तो इसमें मैंने हाफ कवर में रखी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ अपनी। तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाती है हमारी साड़ी। तो हमारे पास ये है साड़ी जो हमारी है, काफ़ी हैवी वर्क की साड़ी है। तो इसमें क्या हो जाता है, जब हम अलमेरा में टांगते हैं ना इनको, तो एक दूसरे के पास जाके इनके जो स्टोन वगैरह सितारे वगैरह होते हैं वो एक दूसरे से उलझ जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम एक हैंगर लेंगे, जो भी आप हैंगर आपके पास है, और लेंगे अपना एक कवर। तो इसमें हमें थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा, तो वो हम किस तरीके से लगाएंगे, जहाँ से हमारा जो स्पेस खुलता है, इसके हम पिछली वाली साइड, यानी कि हम यहाँ पे, यहाँ से जैसे खुलता है कवर, तो यहाँ पीछे वाली साइड बीचों बीच एक होल कर लेंगे छोटा सा यहाँ पर, इस तरीके से वो छोटा सा होल कर लीजिए, आप उससे ही काम चल जाएगा, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने देखा यहाँ पे लोगों को छोटा सा होल किया है, तो इसमें क्या करना है हमें, अपना जो हमारा ये हैंगर है वो हम इसमें लगा लेंगे। इसके बाद जो हमारी साड़ी है उसको हम इस हैंगर में डाल देंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमारी साड़ी इस तरह से डल गई है। अब हम इस साड़ी को अपनी
इस कवर के अंदर कर देंगे। इसको इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमारी साड़ी बिल्कुल फिट आई है, इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी सल नहीं है, बहुत ही इक्वल फिट हमारा हैंगर भी बिल्कुल फिट आया है इसमें, और ये बिल्कुल कवर हो जाएगी। इसको आप ऊपर से इस तरह से डाल दीजिए अपना कवर, जिस तरह से तकिया डालते हैं, और इस तरह से हम इसको बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी साड़ी बिल्कुल इसमें फिट हो गई है, इसको हम हैंग कर सकते हैं। इसके बाद लेके आते हैं हम जो हमारा छोटा वाला पिलो कवर है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज बताएंगे आपको। तो इसको आप चाहे फोल्ड कर लीजिए, चाहे मत कीजिए, आप इस तरह भी रख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास प्रेस वगैरह होती है, तो उसको आप इस तरह से उसकी वायर को फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद हम इसको इसके अंदर रख सकते हैं इस तरीके से। तो आपकी प्रेस भी बिल्कुल सेफ रहेगी, कवर के अंदर रहेगी, इसमें धूल वगैरह कुछ नहीं लगेगा, तो और वायर जो हमारी हो इधर उधर गिरेगी नहीं, उलझेगी नहीं बिल्कुल भी। इस तरह से आपके प्रेस बिल्कुल सेफ रहेगी, आप इस तरह से अपने प्रेस को रख सकते हैं। इसके बाद लेके आते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास ये प्लो कवर है, इसको आप फोल्ड कर लीजिए या आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ही आएगा, थोड़ा बड़ा वाला कवर है, छोटे कवर है नहीं है मेरे पास, जो छोटे तकिए होते हैं ना ज़्यादा वो नेड़े से आते हैं वो वाले नहीं है। तो इसको आप फोल्ड कर लीजिए या आप इसको कट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसा कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें बताएंगे आप क्या इसमें रख सकते हैं। आप इस पर साइड पर सिलाई लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और भी। तो यहाँ पर हमारे पास है ये लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप होगा, आप अपने लैपटॉप को इसके अंदर सेफली रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए इतना बड़ा हो रहा है ये, इसको आप यहाँ पे इस तरह से अंदर से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, तो फिर ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आप इसके अंदर अपना लैपटॉप हो, आपके टैबलेट हो, जो भी आप कम यूज करते हैं वो चीजें आप इसमें सेफ रख सकते हैं। जैसे मोबाइल वगैरह होते हैं तो वो तो हमेशा हाथ में ही रहते हैं, तो लैपटॉप वगैरह होता है हम बहुत जब हमें जरूरत ज्यादा ही पड़ती है तब हम इसको यूज करते हैं। तो इसको आप अपने इसमें सेफ करके रख सकते हैं, अपने बैग के अंदर रख सकते हैं। तो जैसे भी आपको रखना है आप इसके अंदर डाल लीजिए और इसको फिर आप सेफ करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं हम, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा, हम जो हमारे पास कवर है तो मैंने इसमें कट लगाया था, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम अपना लेंगे कवर, जो भी हमारे पास कवर है, और उसमें अपना जो स्टैंड है ये, इसको हम डाल देंगे हैंगर, इसको हम इस तरह से इसमें डाल लेंगे। इसको डालने के बाद आप इसको इजिली किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इस तरह से डालना होता है, और ये हमारा बहुत यूज के लिए होता है। तो इसको हम दिखाते हैं किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से यूज करना है, तो इसको आप हैंग कर लीजिए इस तरह से, जैसे मैंने हैंग किया है, और इसको जैसे बाथरूम वगैरह में, किचन वगैरह में आप इसको होल्ड कर सकते हैं, टांग सकते हैं। और उसको करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमारे किचन में क्या होता है, किचन में हमारे बहुत सारे कपड़े होते हैं जो किचन साफ करने के होते हैं, या पॉलिथीन वगैरह होती हैं, या फिर जो हमारी बैग्स वगैरह होते हैं, जो कपड़े के बैग आते हैं आजकल जो कपड़ों में आते हैं हैंग करने वाले, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो इधर उधर पड़े होते हैं, पन्नियां जो होती हैं पॉलिथीन वगैरह वो इधर उधर पड़ी होती हैं, तो उसको हमें यूज करने के लिए इसको हमें किचन में टांग लेना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा और ईजी तरीका है। तो ऐसे ही हमें बाथरूम में, जो हमें बाथरूम में क्या होता है, जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं, जब हम उनको वॉश करने के लिए हमारा मन होता है कि हम इसको आज वॉश नहीं करते हैं, इसको कल वॉश करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो भी आपके कपड़े होते हैं आप उनको इजिली इसमें बाथरूम में इस तरह से डाल सकते हैं, तो हम उनको इस तरह से डाल के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है, आप इसमें बहुत सारे कपड़े डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे कपड़े इसमें डाल चुकी हूँ।
क्योंकि काफी बड़ा होता है, बहुत सारे कपड़े हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो देखिए अभी भी मेरे काफी सारे कपड़े इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी करीबन 2 से 3 दिन कपड़े इस कवर के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने यूज के लिए बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही मतलब कि जो हमारे पिलो कवर होते हैं ना वो बहुत यूज के लिए होते हैं। और एक मेरी वीडियो पहले आई हुई है जो हमारे पिलो कवर होते हैं उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो उसमें मेरा जो आइडिया था ना वो पिलो कवर का नहीं था, उसमें हम गेहूं को किस तरह से सुखा सकते हैं वो था। तो उसमें मैंने क्या किया था, जो हमारे पिलो कवर होते हैं उसको लेते हैं, यानी कि तकिए के जो कवर है हम उसको लेंगे और उसको हम अपने जो हम गेहूं तो धुलते हैं यानी कि जो हमें सुखाने हैं उनको भिगो के रखते हैं। तो क्या होता है जब उनको सुखाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 2 से 3 दिन हमारे लग जाते हैं उसको सुखाने के लिए। तो हमें क्या करना है, एक पिलो कवर लेना है, उसके अंदर अपने गेहूँ डालने हैं और उसको अपनी वॉशिंग मशीन में डाल देना है, जो सुखाने वाला डेंगे ड्रायर जो है उसमें डाल दिए, उसको डालने के बाद अपनी वॉशिंग मशीन को आप घुमा दीजिए, ड्राई कर दीजिए। तो ये समझ लीजिए कि मिनटों में ही 5 मिनट में आपके गेहूं सूखकर तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, उसके बाद आप उनको निकाल के थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दीजिए करीबन 2 घंटे के लिए और आपके सारे गेहूं बिल्कुल सूख जाएंगे। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है गेहूं सुखाने का। तो मैंने आज आपको 4 से 5 तरीके बताए हैं जो हमारे तकिए के कवर हैं उनको यूज करने के, यानी कि जो हमारे पिलो कवर उनको यूज करने के। तो मेरे पास ये रिक्वायरमेंट वीडियो थी, रिक्वायर्ड आया था यानी कि उसका कमेंट आया हुआ था कि आप पिलो कवर को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो बताइए हमें, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे पिलो कवर पड़े रहते हैं, बहुत सारे कवर बेकार हो जाते हैं, तो उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो और काफी सारे तरीके हैं, उनको मैं फ्री यूज बताऊंगी आपको, जैसे मैट कवर है और आप इसको डोर कवर है, आप किस तरह से उनको बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन आपको बताऊंगी। तो इसी के साथ अभी आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।